नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे डेली न्यूज में। बॉलीवुड फिल्म लकी नो टाइम फॉर लव में सलमान की लेडी लव बनकर लाइमलाइट में आई एक्ट्रेस स्नेहा उलाल पिछले 4 सालों से एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं। हाल ही में एक पॉपुलर वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो आइटोनोल डिसऑर्डर से पीड़ित थी, जो ब्लड रिलेटेड बीमारी है। इसकी वजह से वह बेहद कमजोर हो गई थीं और आधे घंटे से ज्यादा अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो सकती थीं। यही वजह है कि वो पिछले 4 साल से फिल्मों से दूर रहीं। स्नेहा के मुताबिक, मेरी लाइफ में एक वक्त ऐसा था जब मैं इतनी कमजोर हो गई थी कि एक एक्ट्रेस के तौर पर खड़ी नहीं उतर पा रही थी। यहाँ तक कि मुझे चलने, डांस करने और लगातार शूटिंग करने में भी काफी तकलीफ होती थी। इसके बाद मैंने फैसला किया कि मुझे काम से ब्रेक लेना चाहिए और अपनी बीमारी का इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि मैं हर दूसरे दिन बीमार पड़ रही थी। फिल्मों के कमबैक को लेकर स्नेहा ने कहा, सबसे पहले बता दूं कि मैं इंडस्ट्री छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि बीमारी की वजह कुछ दिनों का ब्रेक लिया था, इसलिए कम वर्क वाली तो बात ही नहीं आती।